विगत 5 सालों से बहुत ही घुटनों की एक एक्यूट समस्या हो गई थी। जब चैन जी हमारे रूम में एंटर किए तो इनके दोनों नीज जो थे, घुटने थे, टेढ़े हो गए थे। ये चलने में जब जिस तरफ पैर रखते थे उनका जो ऊपर का ट्रंक था वो भी बेंड करता था। यूजली हम लोग इसको डक वॉकिंग कहते हैं। उस पोजीशन में वो हमारे अंदर रूम में एंटर किए, बैठे हमारे साथ। उन्होंने अपनी तकलीफ बताई। उस समय इनके नी में पेन था, नी दोनों जकड़े हुए थे, पूरे सीधे नहीं हो रहे थे और कर्व हो गए थे। मेरे पैर के घुटने 100% डैमेज हो गए थे। मैं रोज़मर्रा के जीवन में चलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं सीढ़ियाँ चल नहीं पाता था, मुझको गाड़ी चलाने बहुत ही बेहद परेशानियाँ होती थी और रोज़मर्रा के जीवन को बिल्कुल निर्वाह करने में, यहाँ तक कि जो दैनिक कार्यक्रम होता था, दैनिक क्रिया होती थी, उसको भी करने में मुझको बहुत ही विकट परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों नीज में हो गया था और उस ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जॉइंट, दोनों जॉइंट जकड़ गए थे, सीधे नहीं हो रहे थे। और इनको अपनी जो रोज़ की जो दिनचर्या थी, जैसे घर से बाहर टहलने जाना है, पार्क जाना है, बाज़ार जाना है, छत पे चढ़ना है, अपनी गाड़ी चलाना है, अपनी किसी रिश्तेदारी में जाना है, ये सारी इनकी दिक्कतें, ये सब सारे इनके काम नहीं हो पा रहे थे। ये तो मुझको जानकारी करने के बावजूद पता चला कि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे नी के सर्जन हैं, तो मैं उनके संपर्क में आया। उन्होंने मुझको एश्योर किया कि नहीं, आपके घुटने मैं ठीक करूँगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह दिया। तो एज यूजुअल जैसे होता है कि जब भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर पेशेंट डर जाते हैं, वो ये निर्णय नहीं ले पाते कि ये हमें सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने इसके पहले भी कई डॉक्टर से सलाह लिया था लेकिन मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा सर्जरी कराएं कि ना कराएं। खैर फाइनली जब ये हमारी बातों से कन्विंस हो गए, जब मैंने सर्जरी इनकी करी तो इनके पैर जो है वो अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। इसको हम कहते हैं वायरस डिफॉर्मिटी, जो करीब 30-35 डिग्री तक दोनों पैरों में थी। साथ में इनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, इसको हम कहते हैं फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, FFD, वो करीब 30-30 डिग्री दोनों पैरों में थी। तो इसके बाद हमने इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि पेशेंट को ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से, यानी डे 1 से ही हम पेशेंट को स्टैंडिंग कराते हैं, खड़ा कराते हैं और कुछ स्टेप चलवाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन इनको मिलते रहे, हमारे फिजियोथेरेपी टीम के इंस्ट्रक्शन मिलते रहे, ये करते गए और हमने इनको निर्धारित समय में इनको डिस्चार्ज कर दिया अस्पताल से। यहाँ पर मैंने बहुत ही सर्जन हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे कंसल्ट किया, बोले कि ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको बिल्कुल संतुष्ट किया कि नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज मेरे जो घुटने बिल्कुल डैमेज हो गए थे, मैं बिल्कुल जो घुटनों से पूरी तरह धनुष की तरह हो गया था, वो मेरे घुटने ऑलमोस्ट सही हो गए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ।